रिव्यूज़, वेलकम टू आवर चैनल जयपैक बॉयज़। एक और एपिसोड के साथ आपका भाई आपका दोस्त हाजिर है और फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इनिशियल डी की जो रेप्लिका कार है वो पेंट हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह और हम उसके पास बिल्कुल पहुंच गए हैं। और ये भाई जो है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि गाड़ी निकल जाएगी। ये भाई मस्त कोने पे खड़े हैं, बीच रोड में ना, मतलब ना लेन है एक रोड की, ना रोड के कोना है लेकिन लेन है, और गाड़ी स्टार्ट में एसी ऑन करके मस्त लगे हुए हैं। क्या बोलूँ यार, अभी रमज़ान नहीं होता ना तो मेरे मुंह से कुछ और ही निकलता। तो खैर चलते हैं, हम खुद भी चेक करते हैं गाड़ी पेंट होके कैसी लग रही है। आई एम वेरी एक्साइटेड, मेरी नज़रों के सामने है गाड़ी, थोड़ी दिख रही है मुझे। मैं इतना एक्साइटेड हूँ कि मैं आपको अल्फाज में बयान नहीं कर सकता हूँ, इतनी प्यारी लग रही है। माशाल्लाह चलते हैं अभी देखते हैं, आपको चेक कराते हैं गाड़ी। भाई साहब माशाल्लाह गाड़ी बहुत प्यारी लग रही है और गर्मी बहुत ज़्यादा है यार, माशाल्लाह। आप लोगों भी दिखाई देता हूँ, तो बॉयज़ माशाल्लाह हमारी गाड़ी पेंट हो चुकी है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट काम अभी बाकी है। अभी जो गाड़ी का नीचे ब्लैक कलर होना है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए जो टेपिंग होनी है वो उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो खैर अब मैं अपने साथ गाड़ी में लेके आया था पिक्चर्स, वही पिक्चर्स जो हमने पेंटर भाई को दी थी जिस दिन हम गाड़ी छोड़ने आए थे, उस दिन वो पिक्चर्स वो गाड़ी में भूल के चले गए थे। ये रही वो पिक्चर्स, तो यहाँ पर हम अदनान भाई को ढूंढते हैं कि कौन है अदनान भाई, और अदनान भाई से के साथ मिल के इन पिक्चर्स की हेल्प से हम गाड़ी के ऊपर टेपिंग करना शुरू करते हैं। तो बड़ा इम्पोर्टेंट मरहला है ये और बड़ा इम्पोर्टेंट काम है, लेट्स स्टार्ट द टेपिंग प्रोसेस। तो भाई दिस इज सैटरडे, ठीक है, अब भाई के अकॉर्डिंग पेंट अभी भी कच्चा है, ठीक है। पेंट को वैसे हीलिंग के लिए अच्छा खासा टाइम चाहिए होता है, कम से कम 30 दिन हीलिंग टाइम होता है, 30 डेज। तो मैं पहले ही कह रहा था यार 2-3 दिन हीलिंग के लिए छोड़ो गाड़ी को, लेकिन भाई ने बोला नहीं आज ही करते हैं। अब मैं जब आया हूँ तो भाई कह रहे हैं नहीं यार हीलिंग के लिए छोड़ देते हैं 2-3 दिन। तो आज सैटरडे है, आज का दिन संडे का पूरा दिन, मंडे को दोपहर में आके हम टेपिंग करेंगे और रात में हम जो है वो कलर मारेंगे। ये अपडेट फिलहाल गाड़ी का बहुत अच्छा लुक आ गया है, बहुत अच्छा ग्राउंड बना है और वेरी हैप्पी विद द रिजल्ट, वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस यू नो द ब्लैक पार्ट। और अब हमें टाइम जब मिल गया है हम चल के अपनी रील शूट कर लेते हैं, बहुत सारी रील्स हैं जो कि शूट होने वाली हैं। लेट्स गो बॉयज, लेट्स गो। सो बॉयज हम आए थे रील बनाने के लिए, अब बच चुके हैं, जो लास्ट आपने क्लिप देखा वो था कोई 2 बजे 1:30 2 बजे के करीब का, अब बज रहे हैं शाम के 5:30, और हमने जो रील बनाई है वो बनाई है इस मॉन्स्टर के साथ। ये है शेल्वी का ट्रक 700 horsepower, चलते हैं इनके ओनर से मिलते हैं, थोड़ा सा ज़रा आपको शशके दिखाते हैं कि क्या शशके हैं ट्रक। इस ये है शेल्बी का ट्रक F150, ये कंपनी से आता है 700 horsepower, और हमारे साथ है नजीब। कैसे हो ब्रो? ब्रो इतनी प्यारी सी माशाल्लाह ट्रक रखा हुआ है, इधर आ रहो फ्रेम में ट्रक के साथ आ रहो, मैं नहीं चाहता कि एक सेकंड भी ट्रक जो है ना वो फ्रेम से गायब हो। ब्रो कैसे परचेज डिसीजन क्या था, क्या सोच के? बस शौक था, घर वालों को बोला बहुत पीछे पड़े बस इसीलिए ले लिया। ये है कि यहाँ चला तो सकते नहीं है इतना, लेकिन बस शौक है तो ले लिया। इसको तो चला सकते हो यार, मैं बोलूँ कॉर्बेट को मैं नहीं चला सकता, तो ऐसे कच्चे में पार्क करके तुम बोल लो चला नहीं सकते हो। क्या क्या मेन फीचर्स हैं, जैसे 700 horsepower है हमें पता है, सही है 3.5 सेकंड में मीटर डाउन है इसका, ठीक है, मतलब सबको फेंक सकते हैं आप इसके ऊपर। और बाकी सस्पेंशन वगैरह कंफर्ट लेवल इसके लगे हुए इसके कंपनी से, हां अमेरिकन ब्रांड है आपको पता है, तो क्या नाम है सस्पेंशन वगैरह सब ओके है इसका। गाड़ी ये है कि जहाज है, और इस वक्त कराची में दो है, तो एक हमारे पास है और एक और भाई के पास है। इंजन रूम खोलें यार ब्रो, इंजन रूम दिखाएं, जितनी देर में मैं बॉयज़ को बाकी चीज़ें चेक कराता हूँ। इसके अंदर आप देख सकते हैं मैसिव साइज़ के व्हील हैं, मैसिव साइज़ के, साथ में हमारे पास जैसे बॉय ने बताया फॉक्स के सस्पेंशन है हमारे पास, और शेल्बी ट्यून गाड़ी की तो चेसिस अलग है ना यार, मतलब पहली गाड़ी है जो मुझसे ज़्यादा बड़ी है। अच्छा कम्फर्ट लेवल की भी बात करें ना, थोड़ी बहुत मैंने अभी चलाई
तो कंफर्ट लेवल में काफ़ी अच्छी है गाड़ी और काफ़ी स्पेशियस भी है। सारी F-150 स्पेशियस होती हैं, लेकिन ये तो जो है ये तो कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी ही चीज़ है, देख सकते हैं। और इसके अंदर इलेक्ट्रिक सीट्स हैं। फीचर्स की बात करें तो तमाम ही फीचर्स हैं, क्लाइमेट कंट्रोल, ब्लूटूथ, नेविगेशन, क्रूज़ कंट्रोल, ब्ला 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 ब्ला, सब कुछ ही है इस गाड़ी के अंदर। चलते हैं इंजन रूम खोलते हैं, इंजन रूम खोल के आपको चेक कराते हैं इसका मैसिव इंजन। तो भाई ये है इसका इंजन, ये है मैसिव सुपर चार्जर जो इस पर लगा हुआ है, और माशाल्लाह अमेजिंग अमेजिंग थिंग। इधर इंटेक लगा हुआ है यार, क्या चीज़ है यार, दिल चाह रहा है बस इसको देखता ही रहूं। अच्छा, गोल्डन शीट की शायद मैंने बात की हो, या सिल्वर शीट के मैं इंजन रूम में लगाऊंगा, तो वो बेसिकली देखें इस गाड़ी में भी पीछे सिल्वर शीट लगी हुई है। इसका मकसद होता है कि हीट जो है ना वो अंदर कंपार्टमेंट में आ जाए, जो इंजन रूम की हीट है वो इंजन रूम में ही रहनी चाहिए, वो अंदर उससे आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो उसको डेसिपेट करने के लिए हम सिल्वर फॉइल या गोल्ड फॉइल का इस्तेमाल करते हैं, और ये तमाम प्रीमियम गाड़ियाँ जो हाई क्वालिटी की परफॉर्मेंस गाड़ियाँ होती हैं उनमें कंपनी से आती हैं। तो ये एक वो चीज़ है जो हम अपनी इनिशियल डी वाली गाड़ी में ज़रूर करेंगे। आज इनिशियल डी वाली गाड़ी हम दिखा रहे थे और ये भी सीन सामने आ गया। तो माशाल्लाह यार, ब्यूटीफुल कार, ब्यूटीफुल मतलब इसको अभी मेरे मुँह से निकलने वाला था, ब्यूटीफुल बिल्ड, श्योरली अ ब्यूटीफुल बिल्ड बाय शेल्वी, अमेजिंग यार। मुनी भाई क्या देख रहे हो? मैं वो देख रहा हूँ, कैसी है। चलते हैं जरा इसको ड्राइव करते हैं और इसकी वी मी आप लोगों को भी सुनवाते हैं। लेट्स गो बॉयज। भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम ब्लंडर हो गया। सो वही भाई ने बताया, इन्होंने कभी तक आज तक कभी एडवांस ट्रैक्शन ऑफ ही नहीं की थी ना, ठीक है। तो मैंने इन्हें बोला कि जो अब आप फील करने वाले हो आपने पहले नहीं किया होगा, सह लेंगे थोड़ा सा। और इसके बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, और ये भी इसने भी कुछ तो वीडियोज देखी है, ये भी जानता ही होगा, ठीक है। तो बहुत बहुत मजा आने वाला है, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। सो बॉयज, ये था हमारा आज का व्लॉग, और बड़ा मज़ा आया यार शेल्वी में साइडवेज जाके। मुझे ऐसा लग रहा था वो अल्टीमेट व्हीकल है कराची में रहने के लिए, क्योंकि कराची की जैसे रोड है उनमें हम जो कोई तेज़ गाड़ी लेते हैं तो यूजली बहुत लो होती है, और लो होने की वजह से हम उसे सही से चला नहीं पाते, रेगुलर कम्यूट के लिए यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा कोई ट्रक जो इतना पावरफुल हो और वो हल्की फुल्की साइडवेज भी चला जाए, उस पर आप हल्की फुल्की ड्रिफ्टिंग भी कर सकें और उसको आप कहीं पर भी लेके जा सकते हैं, क्योंकि वो ऊँचा है, ग्राउंड क्लियरेंस का इशू भी नहीं होगा, तो मेरे हिसाब से बहुत परफेक्ट व्हीकल है। तो मुझे तो बहुत पसंद आया शेल्वी का ट्रक। आप लोग ज़रूर बताइएगा आप लोग कैसा लगा, और मुझे ये भी बताइएगा कि जो मेरी एक सीरीज चल रही है इंस्टाग्राम पे, जिसमें मैं गाड़ी वालों के मसले डिस्कस करता हूँ और बताता हूँ कि ऐसे कौन से मसले हैं गाड़ी वालों के जिनसे उनको किसी भी तरीके से निजात मिल सकती है। तो कोई ऐसा मसला आपके जहन में हो तो ज़रूर नीचे कमेंट में बताइएगा। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।